तो अभी बारिश चल रही है, तो आपकी बाइक में भी अभी कोई भी बाइक ले लो अपने पास, अभी क्लासिक है सैंपल में, डिलक्स भी है, प्लेजर भी है, स्कूटी टाइप में, ठीक है। तो कई बार बारिश में आपको कोई चीज़ हार्ड होने का बाइक में, या कोई अजीब सी आवाज़ आना, खास करके लोगों की ये लॉक हार्ड हो जाता है, दम लगाएंगे लेकिन लोग इसका सोचेंगे नहीं कि ये रीज़न क्या है इसका। और सोल्यूशन बहुत ईजी है, कहीं दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। एक आपको मेन चीज़ मतलब बताइए इसे एक प्रॉब्लम, फिर एक ये टाइट इसका चाबी लॉक हार्ड हो जाना, मेरे मित्र लोग अलग से दिया है, बाकी सब गाड़ियों में कंबाइन होता है, फिर किक हो गया, आप दम लगा के लोग खींचेंगे लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि उसको लुब्रिकेट कर दे। तो इस वीडियो में मैं बाइक के कौन कौन से पॉइंट लुब्रिकेट किए जाते हैं वो शेयर करूँगा, खास करके अपने ये मानसून में, ठीक है। और कुछ वीडियो जैसे हैं इसका चैन लुब्रिकेशन का, वो वीडियो मैंने बनाया, लिंक दे दूँगा देखना, वो नहीं करेंगे इसके अंदर, लेकिन बता दूंगा कि उसको कब करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपको वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर करो। शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहले आपको बता दूं इसमें लगेंगे क्या क्या चीज़ें। देखो मेरे पास दो टाइप की कुप्पी है, पुराना ऑयल है बाइक का, एक ये इंजन ऑयल का थोड़ा जला हुआ, ज़्यादा ख़राब नहीं, अच्छा है, फिर एक ये, तो ये थोड़ी स्पेशल टाइप की कुप्पी है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं इधर उधर, इसका रीज़न है बताऊँगा। एक टाइप का ये क्लीनर है, या फिर जैसे जंक है सबको निकालने के लिए, तो इसको इस्तेमाल करते हैं, WD-40, ये है काफ़ी बेस्ट है, लोग कोक पे डालने में काफ़ी काम आता है, ठीक है। तो पहले पॉइंट दिखाता हूँ आपको कि कहाँ का पॉइंट पे लुब्रिकेशन करना पड़ता है। तो पहले मेन अपने लेते हैं चाबी का की, तो ये जो की है इसको लुब्रिकेट करते हैं, ज़रूरी है, ये कई बार हार्ड होता है, लोग दम लगाएंगे, लोग जल्दी ख़राब हो जाएगा, मेरी डिलक उसका ग्लैमर का ख़राब होगा, एक उम्र पर भी ख़राब होता है लेकिन वो हार्ड भी होता है, ठीक है। एक वो हो गया पॉइंट, फिर ये तो अपना मूव नहीं करता इस बाइक में, बाकी बाइकों में मूव करता है, तो उसको भी लुब्रिकेट करना होता है। एक ये किक, फिर जितने भी लॉक हैं, तीन साइड का लॉक है, ठीक है। मैंने कैरी बैग की टांगने के लिए लगाया, अगर ये है तो इसको भी करना होता है, ये भी बहुत हार्ड होता है बारिश में। एक चैन लुब्रिकेट करनी होती है, ये मेन है, मेन पार्ट है, पूरी डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, इन्हीं चीज़ों से भी कर सकते हो, दो टाइप की तीन टाइप की वीडियो मेरे हैं, स्पेशल क्लीनर भी इस्तेमाल किया है। और आपका अगर ड्रम ब्रेक टाइप का है तो ये बाइक इसमें इसको भी लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है, ज़रूरी होता है। फिर एक आपका साइड स्टैंड हो गया, ये लुब्रिकेट भी करके दिखाऊंगा, साइड स्टैंड हो गया, फिर मेन स्टैंड हो गया, इसमें गाड़ी खड़ी, इसको काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपका ये ब्रेक है तो ये जहाँ ज्वाइन करेगा, ये तो मेरा ड्रम डिस्क ब्रेक है इसलिए नहीं है टेंशन, ठीक है। अगर आप चैन नहीं करोगे लुब्रिकेट तो ये हाल होगा, देखो जंक लगा हुआ है, बारिश में खास करके लगेगा, थोड़ा डिसेंट है, उतना नहीं लुब्रिकेट है। ये हो गया पोर्सर, फिर ये जॉइंट जो मूव करते हैं इसको भी लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। अभी छार देखो जमा है, इसको लुब्रिकेट नहीं किया मैंने कभी, सर्विस में किया तो किया होगा, इसको भी करेंगे। तो इसे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ ऑयल का दाग बन सकता है तो यहाँ पे इस्तेमाल करो WD-40, काफ़ी अच्छा है, दाग नहीं छोड़ेगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो सिलाई मशीन में जो ऑयल इस्तेमाल होता है ना वो कर सकते हो, वो दाग नहीं बनाता। तो मैं यहाँ पर ये वाले पोर्सन, ये पोर्सन यहाँ पे थोड़ा ऑयल इस्तेमाल करूँ हल्का सा, इस वाले पोर्शन में WD-40, इसमें हल्का सा ऑयल, ना चाहो तो ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, चलेगा। अभी अपने इसके शुरुआत करते हैं, पैडल ये पैर रखना है फुटरेस्ट से, ये मूव नहीं कर रहा इसमें डालेंगे, इसमें हल्का सा, देखो अभी कुप्पी इस्तेमाल करने का रीज़न क्या है, देखो। और अभी कार में भी मैं बताऊँगा या बताया शायद वीडियो में, तो ये काफ़ी फायदेमंद है, सपोज इसे एंगल पर डालना है तो इससे ज़्यादा गिर जाएगा, इससे हल्का सा दबाइए, बस ठीक है, थोड़ा गिर गया, और फिर इसको मूव कर दो, और जो गिर रहा कपड़े से उसको पोंछ लो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें जंक लग गया तो WD-40 या फिर कोई डीजल इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अब फिर किक की बारी है, हल्का से डालेंगे, अगर ज़्यादा डाल दोगे तो ये पैर में आपके लगेगी, पैंट में लग जाएगी, ठीक है। ये तो सेल्फ स्टार्टर, कम इस्तेमाल होती है किक, लेकिन जो गाड़ियाँ किक वाली ही हैं वो ज़्यादा करती हैं इस्तेमाल, तो ये जल्दी अगर आपको मेंटेन नहीं करोगे इसको, ठीक है, तो इसलिए कुप्पी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर बचा एक्स्ट्रा उसको पोंछ लेंगे, तो ये आपके कपड़ों में नहीं लगेगा, ये लुब्रिकेट हो गई, ठीक है। एक हो गया, तो ये मेन चीज़ एक हो गया, अपने लेते हैं मेन स्टैंड को भी, अब ले लेते हैं, देखो मेन स्टैंड अब यहाँ पर काम करेगी, अगर आपकी ये सिंपल वाली कुप्पी होगी ये काम नहीं करती, ये वाली कुप्पी फोकस कराते हैं, तो ये देखो ये मैं नीचे रख के ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, देखे तो ये फ़ायदा है, इसलिए ये कुप्पी इस्तेमाल करते हैं। फिर एंगल में है उस साइड में डालना है, तो ये भी देखो
अब दिख नहीं रहा, चैन आ रही बीच में, तो वहाँ पे भी ये लुब्रिकेट कर ले रही है। अब चलते उधर से, इसलिए ये हुप इस्तेमाल करते हैं। देखो ये रहा एंगल, थोड़ा यहाँ ज़्यादा डाल दो चलेगा। एक यहाँ पीछे डालते हैं, यहाँ पीछे, उधर से दिख नहीं रहा, यहाँ दिख रहा है ये, यहाँ पे आपकी कुप्पी काम आएगी। तो एक बार आपका इन्वेस्टमेंट है, फिर आपका साइड स्टैंड। अब इसको हिला भी लो, यहाँ थोड़ा ज़्यादा डाला है, थोड़ा टाइट हो गया था ये। थोड़ा लो, फिर पहुँच देंगे जो एक्स्ट्रा होगा और गिर जाएगा थोड़ा इसमें। अब देख रहे हो तो ऑयल इतना बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। मैं बाइक को मैं 2000 पे ऑयल बदल देता हूँ थोड़ा और, ठीक है। फिर पोर्शन हो गया, अगर रहता तो इसको भी कर देते, पर अपने में है नहीं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, स्टैंड पे लेना पड़ेगा। अगर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको ऐसा लगता हार्ड है, थोड़ा WD-40 छिड़क दो। देखो छिड़कने का ट्रिक बताता हूँ, इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा, ये बंद टाइप का सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये खोलो, उसको थोड़ा सा ऐसे दबाओ और ये छिड़क दो, तो अंदर तक जाएगा, ठीक है। और थोड़ा इसको अब ऐसे फ्री कर लो। अगर आपको यहाँ ऑयल नहीं डालना तो मत डालो, लेकिन ये ऑयल का काम नहीं करेगा, एक क्लीनिंग टाइप, मतलब जो है जरा स्टर लगी है, कुछ झार लगा तो निकाल देगा, लेकिन ऑयलिंग का काम ऑयल ही करेगा। तो आपको लगता है अगर हल्का ऑयल डालना है तो चाबी हल्की बाहर खींचो, और एक कुप्पी इसलिए काम आती है, अंदर। तो देखे ये आपका प्रॉपर लुब्रिकेट हो गया, कितना फ्री हो गया। तो ऐसे ही सेम उस साइड का भी है, उसको भी करेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल से पोंछ लेंगे। तो उधर का मैं कर लेता हूँ। एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, इसको खोलोगे ना, इसके साइड से भी अंदर से भी ये आपको दिखेगा, देख रहे हो, इस पर थोड़ा ऑयल डाल दोगे तो ही चलेगा। यहाँ पे भी ऑयलिंग की जगह होती है, अंदर से कर दोगे तो ऑयल अंदर उतर जाएगा। और थोड़ा इंतजार करना है, एंगल वाइज जैसे स्कूट करते टाइम और सब करने थोड़ा तकलीफ है, इसको उठा के थोड़ा डालोगे ना एग्जैक्ट अंदर ऑयल जाएगा। तो मैं जरा डाल लूँ ऐसे, एक्स्ट्रा बचा ऑयल साफ कर लो दोनों साइड से। ये चीज़ आपको दिखाना भूल गया था, बता दें, स्टॉप कर देते हैं, बंद, साफ कर लो एक्स्ट्रा ऑयल। अब एक चीज़ इसमें अपने प्लस है, लॉक वाला, तो लॉक में भी डाल देंगे, धीरे धीरे डालोगे तो अंदर उतरेगा, ठीक है। और फिर इसको भी चाबी डाल के, ठीक है, राउस कर लो। और इसका क्लासिक के लिए देखना, अगर बुलेट है आपके पास क्लासिक है, अब तो इसमें भी हटा दिया इन लोगों ने, ए वाले पोर्सन को जो अंदर बाहर जाता है इसको भी ऑयलिंग कर सकते हो, ठीक है। ऑयल डाल के छोड़ दो, ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा जो अंदर जाना रहेगा। और इसको टेस्ट कर लेते हैं, मतलब ढीला कर देते हैं घुमा के, तो अपने मेन लॉक, इसको लुब्रिकेट साइड रखते थोड़ा नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चाबी मैंने भरा दी है, अभी कोई होता तो उसको पकड़ रखता तो ज़्यादा अच्छी तरह होता, दिख रहा है। अब इसमें हल्का सा ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं, हल्का सा ऑयल डाल के इंतजार करेंगे। हाँ, थोड़ी दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप जेब में चाबी रख रहे हो तो दाग लग सकती है, और इंतजार करो इसको एकदम उतर जाने का, उतर जाए फिर चाबी डालो इसके अंदर, ठीक है। ये भी मस्त स्मूथ हो जाएगा। खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक दो दिन इसको चाबी जैसे आप डालोगे थोड़ा ऑयल निकलेगा, इसको साफ कर लेना है और एक्स्ट्रा ऑयल भी यहाँ के पोंछ लेना है। अब सेम चीज़ आप इसके साथ भी कर सकते हो, अब आपकी एंगल वाली कुप्पी है तो डायरेक्ट डाल सकते हो उसके अंदर। तो अभी मैं इसमें तो डालूंगा WD-40 बस, ठीक है। इसमें स्टार्टर के बटन में यहाँ पे थोड़ा हल्का ऑयल डालेंगे, अब लेते हैं इसमें, इसमें डाल देते WD-40 थोड़ा थोड़ा। इसके साथ तो वह नोज़ल आती, नोज़ल खो गई है, ठीक है। और ये कलर को क्या इफेक्ट नहीं करती गाड़ी की, ये खासियत है, ठीक है। हैंडल में डाल देते, ऑयल डालेंगे वहाँ पे भी, इसमें ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप सारी स्विचें इसको पोंछ लेंगे, जो स्किन पे गिरा ये भी, ठीक है, और इसको भी, ठीक है।
तो लेंगे अब इस वाले पोर्शन को भी, तब यहाँ पे डालेंगे ऑयल हल्का सा, ये मूव होता है तो यहाँ डाल देंगे। थोड़ा डाल दो, पोंछ देना, ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है, जल्दी घिस जाते हैं बोल्ट। और ये यहाँ तो हल्के की ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। और बाकी थोड़े बहुत पोर्शन है, आपका टाकी है इसको भी कर सकते हो, और ये एक एसेसरीज का हिस्सा ये भी है, ये वाला, जैसे जितने भी आप मूविंग पार्ट डालते हो, कोई एसेसरीज लगाते हो तो उसको भी ऑयलिंग करके, ये हो गया। तो ऐसे आप घर पे भी कोई भी गाड़ी के लुब्रिकेट कर सकते हो, अगर आपकी सिंपल डिस्क ब्रेक नहीं है, मेरे में डिस्क ब्रेक है, अगर डिस्क ब्रेक नहीं है तो ये वाले पोर्शन को भी थोड़ा ऑयलिंग करना होता है इसको और आगे भी इससे, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं जो घर पे आपको लुब्रिकेट करने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लगने वाला, वेस्ट ऑयल यूज़ होने वाला है, ठीक है। नहीं है तो सिलाई मशीन का ऑयल ला दो, भी बहुत सस्ता आता है, उसको इस्तेमाल करो। ख़त्म करते अपना वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।